अगर आप मुक्ति को चाहते हैं तो वाद विवाद से दूर रहिए। तो नमस्ते, मैं रामपुरा से पवन यादव, इसी के बारे में बात करेंगे, वाद विवाद क्यों नहीं करना चाहिए। हम ज़्यादातर समाज में पैसे कमाने के लिए वाद विवाद ज़्यादा करते हैं। जैसे वाद विवाद किससे हो सकता है? वाद विवाद आपकी ड्यूटी पे हो सकता है। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है पैसों के लिए कम या ज़्यादा करवाने के लिए वहाँ पे वाद विवाद हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है। किराएदारों के साथ में किराया नहीं मिल रहा है टाइम पे, तो वाद विवाद हो सकता है। एक तो होता है बात करना और एक होता है बहसबाजी करना। दूसरा, हम समाज में अपनी ज़मीन के लिए, भाईचारे में या अपने बिजनेस के लिए वाद विवाद ज़्यादा करते हैं। हमारे पास कुछ नौकर या कर्मचारी या मैनेजर या प्रिंसिपल हमारे पास कोई काम कर सकते हैं, उनके साथ हम वाद विवाद ज़्यादा करते हैं। शादियों में जाके हम ज़्यादा वाद विवाद करते हैं, बहसबाजी ज़्यादा करते हैं। तो देखिए, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। जिसको परम गति चाहिए वो एकांत में स्थित होके गुरु सानिध्य लेकर के उस भगवत्ता को पाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि वाद विवाद करना चाहिए, बहसबाजी करनी चाहिए। कुछ लोग मुकदमों में उलझे रहते हैं, वकील के साथ, जज के साथ बहसबाजी ज़्यादा करते हैं कि मुझे अपनी ज़मीन चाहिए, मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए या मुझे किसी को सज़ा दिलानी है। तो वकीलों के साथ में भी आज बहसबाजी ज़्यादा कर लेते हैं, वाद विवाद ज़्यादा करते हैं। भले ही आपको थोड़ा बहुत नुकसान क्यों ना हो रहा हो, फिर भी बहसबाजी, बकवासबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और एकांत में स्थित होके ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्नशील रहना चाहिए। दुनिया में मूर्खता फैली हुई है और मूर्खों के साथ में मूर्ख नहीं होना है। दुनिया हमें उलझाने की कोशिश कर सकती है या आपको उलझाने की कोशिश कर सकती है, सालों तक आप पे मुकदमा कर सकती है, या हो सकता है आपके बंटवारे में आपका हिस्सा आता है, भाईचारे में वो आपको हिस्सा ना दें, कई सालों तक आपको ज़मीन जायदाद नहीं मिल सकती है, तो भी आपको अपने घर परिवार में बाप से, बहन भाइयों से, पत्नी से या पति से किसी से बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। आपका हो सकता है नुकसान हो जाए, हो सकता है आपको पैसे कम मिले, हो सकता है आपको ज़मीन कम मिले, हो सकता है आप मुकदमा हार जाए, तो भी आपको बहसबाजी नहीं करनी चाहिए और उनसे दूर होकर के एकांत में ज्ञान प्राप्ति के लिए और उस भगवत्ता के लिए लगाने चाहिए। क्योंकि दुनिया तो बहसबाजी करती रहेगी, ज़्यादा बोलती रहेगी और लड़ाई झगड़ा करके वाद विवाद भी करती रहेगी। वो समझदारी हमें दिखानी है कि दुनिया के साथ उलझना है, वाद विवाद करना है या हमें ज्ञान प्राप्त करना है। हम गुरुओं के साथ में भी बहसबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए अहंकार दिखा करके गुरु के सामने ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमें आपसे ज़्यादा ज्ञान है। हाँ, काफ़ी लोग ज्ञान कम लेने आते हैं और बहसबाजी ज़्यादा करने आते हैं कि ये दिखाने के लिए कि हमें आपसे ज़्यादा ज्ञान है। गुरु के साथ वाद विवाद ना करें, कोई सही पर्सन है वो पूछ सकते हैं, लेकिन एक होता है अपना घमंड दिखाना कि मैंने ज़्यादा गीता महाभारत पढ़ ली है या मैंने कुछ ग्रंथ पढ़ लिए हैं या शास्त्र पढ़ लिए, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कर्नल हूँ, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है। आप गुरु के साथ भी बहसबाजी ज़्यादा करते हैं, वाद विवाद ज़्यादा करते हैं। आपको अगर ज्ञान होता तो आपको गुरु की क्या ज़रूरत पड़ती? तो इसका मतलब ज्ञान तो है नहीं, गुरु को ही है ज्ञान। तो आपका अहंकार जो ज्ञान है वो झूठा है। इसलिए वाद विवाद ना करें, वाद विवाद से बचें, चाहे आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी क्यों ना होता हो। हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट ना हो पाए, क्योंकि वाद विवादी आदमी तो पैसा और दुनियादारी में पैसा तो थोड़ा ज़्यादा कमा ही लेता है। हो सकता है आपके पास पैसा कम बने, कम कमा सकें आप। तो बात ये आपस बात ये आ जाती है कि आप वाद विवाद अपनी
सुविधाएं जुटाने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, ज़मीन कमाने के लिए करते हैं, कुछ ना कुछ स्वार्थ कमाने के लिए आप वाद विवाद करते हैं या अपना अहंकार दिखाने के लिए वाद विवाद करते हैं कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मुझे ज़्यादा ज्ञान है। तो ये छीना झपटी वाद विवाद ये सब छोड़ दें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वाद विवाद करते रहोगे, कहीं मुकदमे में उलझे रहोगे, कहीं भाईचारे में उलझे रहोगे, ज़मीन के मुकदमे में, भाई ने ज़मीन नहीं दी, बाप ने ज़मीन नहीं दी, या पैसा नहीं दिया, मेरा पैसा किसी ने खा लिया या जब्त कर लिया, इन बातों में उलझे रहोगे तो बस उलझे ही रहोगे, ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकोगे। अगर आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है, उस भगवत्ता को प्राप्त करना है, तो इस वाद विवाद से दूर हो जाइए और एकांत में गुरु सानिध्य में रह करके ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि उलझाव तो बहुत हैं, उलझाने वाले बहुत हैं, ये सारा समाज उलझाने वाला है, ये देवता भी उलझाने वाले हैं, ये भी वाद विवाद करते हैं काफ़ी। देवताओं के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो यहीं से सुलझ लेते हैं, देवताओं तो की तो आगे की बात है, अभी इस दुनिया को ही हम समझ लेते हैं। दुनिया ना तो सुधरी है और ना सुधरेगी, दुनिया लालची है और रहेगी, आपके कुछ पैसे वो खाएंगे तो खाएंगे ही, जब्त करेंगे तो करेंगे ही, आपकी ज़मीन को हड़पेंगे तो थोड़ी बहुत ज़मीन को तो हड़पेंगे ही, कुछ ना कुछ तो वे अपने स्वार्थ में आपके साथ बुरा करेंगे ही, वो उनका स्वभाव है, उनके स्वभाव के साथ अपना स्वभाव वैसा ना बनाएं, उनसे दूर हो जाएं, उनसे अलग हो जाएं और कोई वाद विवाद ना करें, मौन व्रत लेकर के, मौन हो करके, नफ़ा और नुकसान का, लाभ और हानि की चिंता किए बिना वाद विवाद ना करें और एकांत में राम भजन के लिए यत्न करें, उस ब्रह्म को पाने के लिए यत्नशील रहें, उस परम सत्ता को पाने के लिए यत्नशील रहें। तो आज हमने क्या जाना, समाज में विवादी बहुत हैं, छोटी छोटी बातों पे विवाद होता रहता है, बहस चलती रहती है, कोई राजनीति पे बहस करता रहता है, किसकी वोट देनी है नहीं देनी है, कोई अपनी वोट लेने के लिए आपसे बहस करेगा या आप उससे बहस करोगे, तो देखिए ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण नहीं होते। वोटों के लिए बहस करना, ज़्यादा पैसे के लिए किसी के साथ बहस करना, या किसी भी स्वार्थ के लिए बहस करना या मुकदमा करना, ये सब ज्ञानी पुरुष के लक्षण नहीं होते। ज्ञानी इनसे दूर रह करके, अलग रह करके, स्वार्थ रहित हो करके एकांत में राम भजन करते हैं। तो क्या जाना आज हमने कि बहस ना, वाद विवाद ना करें किसी के साथ भी, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो या वो कितना ही दुश्मन क्यों ना हो, इनसे दुश्मनाई से और प्रेम भाव से जो भी आपके हैं उनसे दूर होकर के आप शांति से राम भजन करें, तो ही आप कुछ कामयाब हो पाओगे, उस परम को प्राप्त कर पाओगे। धन्यवाद एक शुद्ध विचार को जानने के लिए। दिमाग में जो एक कचरा भरा हुआ था, बहस करना और दुनिया में मुनाफा कमाना, इससे दूर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।